अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लोइंग स्किन डाइट रूटीन एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर दिस वीडियो। ट्रस्ट मी, कुछ ही वीक्स में आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होने लगेगी क्योंकि इस डाइट रूटीन में है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस, मिनरल्स जो कि हमारी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाएंगे। अभी तक अगर आप सिर्फ बाहर से ही सब कुछ लगाते आ रहे हो और आपने इंटरनली कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया तो आज से ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी स्किन पर ग्लो नहीं आएगा। तो आज से आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। ये डाइट प्लान हमारी स्किन केयर जर्नी को बहुत इजी बना देगा। और इस डाइट प्लान की एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके इजीली अपना वेट लूज भी कर सकते हैं, और जो वेट लूज करने के बाद मेंटेन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट स्टेप तो हाइड्रेशन ही है। मॉर्निंग में सबसे पहले हमें खुद को हाइड्रेट करना है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। हम सिंपली लिक्विड वाटर भी पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हैं तो हमें मॉर्निंग ड्रिंक की प्रिपरेशन रात को करके रखनी है। मैंने राइस, मेथी दाना और अलसी को पानी में भिगोकर रख दिया था, और इन सब इंग्रेडिएंट्स की जितनी भी गुडनेस है वो रात पर इस पानी में आ जाएगी और मॉर्निंग में हमने इस पानी को छानकर पी लेना है। लेकिन अगर विंटर्स चल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके पी सकते हो, और मैं एम्प्टी स्टमक 2 गिलास पानी के पी लेती हूँ। एक ये और दूसरा गिलास में सिंपली विटामिन सी से लोडेड लेमन ऐड करके पी लेती हूँ। आप कुछ दिन ये करके देखो, ट्रस्ट मी, जस्ट ये 2 ड्रिंक्स आपको ब्रेकआउट से बचाएंगी, स्किन को क्लियर बनाने के साथ स्किन में इलास्टिसिटी भी लेकर आएंगी। सिप सिप करके पिए, जो सलाइवा आपके मुंह में है वो आपके पेट में जाना चाहिए, इससे भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड थिंग, ड्राई फ्रूट्स। क्या हम में से किसी ने ड्राई फ्रूट्स रेगुलरली खाए हैं? नहीं खाए होंगे, क्योंकि हमें लगता है ड्राई फ्रूट्स बहुत ही महंगे आते हैं, लेकिन वहीं पर हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड बड़े आराम से बाय करके खा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अनहेल्दी स्टफ खाना बंद कर दें और उसी पैसे से ड्राई फ्रूट्स खरीद लें तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इससे आपको मिलेगी ग्लोइंग स्किन। इनसे आपकी स्किन को एसेंशियल ऑयल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स मिलते हैं जो आपके हेल्दी स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है और एजिंग से प्रिवेंट करता है। लेकिन मैं इनको हमेशा सोक करके ही खाती हूँ, इससे ये बॉडी में हीट नहीं बढ़ाते और डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। ड्राई खाने से आपको पिंपल्स, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो आपने ओवरनाइट या फिर 1 घंटा सोक करने के बाद ही यूज करने हैं। तो अब आपने रोज ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड कर लेने हैं। अब मैं आपके साथ एक इंस्टेंट हेल्दी ब्रेकफास्ट शेयर करूंगी, जल्दी से रेडी हो जाता है। मैं ले लेती हूँ ओट्स, कोकोनट पाउडर, सनफ्लावर पाउडर, जैगरी पाउडर, आप हनी भी यूज कर सकते हो, और इसमें मिल्क ऐड करके बॉयल कर लूंगी जस्ट 5 to 6 मिनट। समर्स में आप ये रात को ही बनाकर रख सकते हो, बट ड्यूरिंग कूजी विंटर्स मुझे गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसकी टॉपिंग करूंगी एप्पल से, मेरे पास यही अवेलेबल है। आप बनाना कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट ऐड कर सकते हो, और रात को सोक की हुई ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लूंगी, और साथ ही मैं एक बॉयल एग ले लेती हूँ, और मेरा यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी है। ये ब्रेकफास्ट मैं 365 डेज आराम से खा सकती हूँ। अच्छा जी, तो अब जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, आप में से भी जो चाय पीते हैं उसको छोड़ देना है और आपने उसको रिप्लेस कर देना है इस ड्रिंक के साथ, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। ये है मेरी होममेड कोलेजन ड्रिंक। मेरे पास डेली टाइम नहीं होता कि मैं इसको फ्रेश प्रिपेयर कर सकूं, तो मैं इस तरह से आइस क्यूब्स बना लेती हूँ। मैंने ये कोलेजन ड्रिंक कैसे बनाया है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और सिंपली मैं इसको लिक्विड वाटर में ऐड करके डेली इंजॉय कर सकती हूँ। और इस ड्रिंक के अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इस ब्रेकफास्ट में हर एक चीज ऐड है, लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस। आप भी ये ब्रेकफास्ट बहुत इंजॉय करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। इस टाइम पे आप खा सकते हो कोई भी फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो। ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ही अमेजिंग चीज है, ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो आजकल माल्टे, मौसमी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो पक्का से आपने डेली ओरेंजेस खाने हैं। हर सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल फ्रूट्स डिफरेंट मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं लंच की। तो लंच में हमेशा आपने बहुत सारा सैलेड जरूर खाना है, कलरफुल सा सैलेड बनाएं, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो। मैंने कैरेट्स ऐड की हैं, कुकम्बर, टोमेटोज, कैबेज, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो आप उन्हीं से अपना सैलेड रेडी कर लें। इसके अलावा आप राइस खा सकते हो, या जो भी आपके घर में बनाओ आप खा सकते हो, बस सैलेड की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। एक और चीज आपने अपने लंच में जरूर ऐड करनी है, 1 गिलास लस्सी का आपने जरूर पीना है।
लस्सी में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टेक्सचर को इन्हांस करने में हेल्प करता है और ये स्किन को अंदर से क्लीन बनाती है। और अगर आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस या फिर फ्रैकल्स हैं तो वो भी इसके रेगुलर यूज से खत्म होने लगेंगे। अब बारी आ जाती है इवनिंग स्नैक की। इस टाइम मैं ग्रीन टी लेती हूँ विदाउट शुगर। और आप सब जानते हैं ग्रीन टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन। ग्रीन टी में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन को नरिश हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करता है। इंटरनली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इसके साथ मैं अपना कोई होममेड हेल्दी स्नैक ले लेती हूँ। आप मखानाज ले सकते हो, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हो, एनीथिंग जो हमारी डाइट में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करे। अब डिनर रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम सबकी रूटीन बहुत ही हेक्टिक है और एट अ टाइम हम बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, तो फूड से सारी न्यूट्रिशन हासिल करना समटाइम इजी नहीं होता। स्पेशली व्हेन यू आर इन योर लेट 20s और 30s, तो आप कोई अच्छे सप्लीमेंट्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। पहले मैं विटामिन सी की ये टैबलेट्स यूज कर रही थी और आजकल मैं ये न्यूट्री फैक्टर की सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ। अगर आप भी न्यूट्री फैक्टर की सप्लीमेंट्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा बहुत ही अफोर्डेबल सप्लीमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। सप्लीमेंट्स लेने का बेस्ट टाइम ब्रेकफास्ट के साथ या फिर आप लंच के साथ ले सकते हो, डिनर में आपने अवॉइड करना है। चलें जी, अब रेडी कर लेते हैं अपना डिनर। इसमें आपके साथ दो ऑप्शन शेयर करूंगी। डिनर हमारा हाई इन प्रोटीन होगा, अच्छे से बैलेंस है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स हैं, सिलीनियम, आयरन है और ये ब्लड इंक्रीज करने के लिए भी सफिशिएंट है और इसको बनाना भी बहुत इजी है। इसको रोज खाने से आपकी स्किन तो ग्लो करेगी, साथ में आपकी बॉडी भी बहुत हेल्दी रहेगी। इसके लिए आपको जौ का आटा, बाजरे का आटा और गंदम का आटा तीनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। इस आटे की डो बनाने के लिए इसमें नमक और 1 टेबल स्पून देसी घी और पानी ऐड करके गूंद लेंगे और फिर रोटी बना लेंगे। इस रोटी में बहुत सारा प्रोटीन है तो आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। इस रोटी को आपके घर में जो भी बनाओ, सब्जी, गोश्त, जो भी चीज उसके साथ खा सकते हो। आपको इसके साथ बहुत सारा सैलेड लेने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी सैलेड की होनी चाहिए। और साथ में एक और चीज जो कि दही मस्ट होनी चाहिए क्योंकि दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को करते हैं। सेकंड ऑप्शन में मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करती हूँ, वो भी हाई इन प्रोटीन है। स्प्राउट्स मुझसे वैसे नहीं खाए जाते तो मैं इस तरह से यूज कर लेती हूँ। इसमें मैंने मूंग दाल स्प्राउट्स लिए हैं, मटर जो प्रोटीन का रिच सोर्स है वो इसमें ऐड किए हैं। सबको मिक्सी में ऐड करके थोड़ा सा पानी डाला है और ग्राइंड कर लिया है और फिर इसमें नमक और बेसन डालकर एक परफेक्ट सा पेस्ट रेडी कर लेना है। जिन लोगों से स्प्राउट्स नहीं खाए जाते वो इस तरह से बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं मिक्स चटनी के साथ खाऊंगी, आप दही के साथ भी खा सकते हो। अब बारी है बेड टाइम ड्रिंक की, जिसके लिए मैंने एक पाउडर रेडी करके रखा हुआ है। जस्ट इसको पानी में ऐड कर लेती हूँ, 5 से 7 मिनट बॉयल होने देंगे। ये ड्रिंक आपके अंदर किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को स्टोर नहीं होने देता, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है और स्किन तो गारंटेड अंदर से ग्लोई और रेडियंट बनती है। और लास्ट थिंग, जब भी आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप डेट्स खाओगे या फिर गुड़, चीनी को टोटली कट ऑफ कर देना है। तो यह है जी हमारी हेल्दी ग्लोइंग स्किन डाइट रूटीन, जिसे हमने रेगुलर फॉलो करना है क्योंकि हम सब अपनी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हैं। इन 2024 इंशाल्लाह हम सब अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इंटरनली एक्सटर्नली हमें अपनी स्किन पर काम करना है। ये सब स्टार्ट में मे भी मुश्किल लगे, बट स्लोली ये आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगा और सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर हम दोबारा से एक बार रिकैप कर लें तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने आपके हाथ की एक मुट्ठी में आ जाएं, लेकिन अगर और कुछ नहीं तो आलमंड्स आप जरूर खाएं। और हमें स्प्राउट्स खाने हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप इन सब चीजों को खाने की टाइमिंग आगे पीछे भी कर सकते हो। मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है जैसे मैं खाती हूँ। आपने सीजनल और लोकल फ्रूट्स खाने हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे ये डाइट प्लान बनाने में और फिर इसको फॉलो करने में काफी टाइम लगा है, रिजल्ट्स देखने में, तब मैंने आपके साथ शेयर की है। गारंटेड आप सबको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, बस आपने रेगुलर फॉलो करना है इसे और पॉजिटिव रहना है। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह का और भी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड सर्कल में भी सबके साथ शेयर कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।